गाइस, टिकटॉक पर आजकल आप लोगों ने इस तरह की बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोस देखी होगी जो कि देखने में बहुत ज़्यादा कूल लगती है। तो गाइस, अगर आप भी इस तरह की वीडियोस बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, अगर आप इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप एनिमे फिल्टर का यूज़ करके इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं और फिर अपने टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एनिमे फिल्टर आपको टिकटॉक के अंदर नहीं मिलता, ये सिर्फ स्नैपचैट के ऊपर अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपने स्नैपचैट एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और अगर आप ऑलरेडी स्नैपचैट यूज़र हो तो आपने अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन को अपडेट करना है। अपडेट कर देने के बाद आपने अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा एज़ यूजुअल। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इमोजी साइन के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर फिल्टर्स लिस्ट में एनिमे फिल्टर आ जाएगा। फिर भी अगर आपके पास एनिमे फिल्टर नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, आपने नीचे एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने एनिमे फिल्टर सर्च करना है। सर्च कर देने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है, मतलब डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर देने के बाद आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है लाइक दिस। एज यू कैन सी गाइस, इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये बिल्कुल फुल एनिमेटेड है। तो आपने इस तरह वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। रिकॉर्ड कर देने के बाद आप अपनी वीडियो को सेव कर सकते हो, और सेव कर देने के बाद आप अपनी वीडियो को टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ एनिमे फिल्टर फॉर योर टिकटॉक वीडियोज़। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। So I've been bugging around with this anime filter, and apparently, depending on your eye size, it changes. So, See, you see what I'm talking about. And also, hey Chris, come here. You're a little cutie. Thank you.